हाय एवरीवन, जय जगन्नाथ। वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी मेरी जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर की जर्नी है, उसका जो एक्सपीरियंस है वो सब कुछ। सो इस वीडियो में हम मोस्टली बात करेंगे, मुझे जब पता चला कि फॉर द फर्स्ट टाइम कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, उसके बाद हम डॉक्टर के पास कब गए एंड डॉक्टर ने फिर क्या क्या टेस्ट रिकमेंड किया, कितनी बार यूएस चेक किया गया था यानी कि अल्ट्रासाउंड किया गया था एंड रिपोर्ट्स में क्या क्या आया था, क्या क्या कॉम्प्लिकेशन था, क्या क्या सप्लीमेंट्स दिए गए थे, वो सारा कुछ। तो कुछ दिन पहले एक्चुअली मैंने और एक वीडियो पोस्ट किया था मेरे चैनल पे कि पीसीओडी में मैंने कैसे कंसीव किया एंड वो वीडियो को आप लोगों ने बहुत लाइक किया है एंड बहुत जन का बहुत सारा क्वेश्चन भी था जो कि मुझे डीएम्स बहुत सारे आए एंड कमेंट्स में भी बहुत सारा क्वेश्चन लोग पूछ रहे थे। सो मुझे ये लगा कि मेरा जो स्टोरी है, मेरी जो जर्नी है, उससे अगर बाकियों को हिम्मत मिलती है, बाकियों को कुछ सीखने को मिलता है, तो मुझे ये सब स्टोरीज़ भी पोस्ट करना चाहिए एंड ये सब के ऊपर वीडियोस बनाना चाहिए, ताकि बहुत कुछ लोग ऐसे होंगे कि उनको ये सब वीडियो से कुछ ना कुछ तो सीखने को मिलेगा। सो और ज़्यादा लेट नहीं करते, चलिए वीडियो को तुरंत स्टार्ट करते हैं। सो बाय एंड ऑफ 2021 मुझे पता चला दैट आई एम प्रेग्नेंट एंड उससे पहले एक्चुअली मेरा PCOS का ट्रीटमेंट चल रहा था एंड हम लोग ट्राई कर रहे थे कंसीव करने के लिए, नहीं हो पा रहा था। पर जैसे ही फॉलिकुलोमेट्री के बाद मेरा जो पीरियड्स का डेट है वो स्किप हुआ, तो मैंने टेस्ट किया था घर पे प्रेगनेंसी किट लाके एंड उसमें पॉजिटिव आया। दो बार मैंने टेस्ट किया, दोनों में ही डबल पिंक लाइन आया। सो मैं थोड़ा श्योर हो गई थी कि आई एम प्रेग्नेंट। सो उसके बाद जैसे ही जीवन घर आए, उस टाइम एक्चुअली वो घर पे नहीं थे, तो जैसे ही घर आए एंड हमने डिस्कस किया कि क्या करना चाहिए अभी। सो मेरे जो प्रीवियस डॉक्टर थे जिनके पास मेरा ऑलरेडी ट्रीटमेंट चल रहा था, हम उन्हीं को विजिट करने वाले थे। हम सोचे कि पहले उनके पास जाएंगे एंड मैम से बात करेंगे कि सिचुएशन क्या है, कैसा है, एक बार कंफर्म हो जाए कि हाँ प्रेगनेंसी है करके। सो फिर नेक्स्ट जो अवेलेबल डेट था अपॉइंटमेंट के लिए, हमने उसके बाद अपॉइंटमेंट बुक किया एंड जैसे ही हम मैम के पास गए, रिसेप्शन में ही हमको बोला गया कि आप पहले जो है यूएसजे के लिए जाओ, मतलब अल्ट्रासाउंड फिर से करवाओ, क्योंकि वहाँ पे वो लोग जो टेस्ट किट था वो बोले कि वो कभी कभी क्या होता है, केमिकल प्रेगनेंसी के कारण भी हो सकता है कि डबल पिंक लाइन आ रहा है, तो हम प्रेगनेंसी को कंफर्म करने के लिए यूएसजी ही करवाएंगे। तो वो जो क्लिनिक था वहाँ पे एक्चुअली उन लोगों का बहुत सारा जो एडवांस्ड टेस्ट के लिए सारा कुछ का अरेंजमेंट था। तो अल्ट्रासाउंड के लिए हम लोग जाने वाले थे, जीवन बाहर वेट किया एंड मैं अल्ट्रासाउंड के लिए गई। मुझे एक्चुअली बंगाली थोड़ा बहुत तब तक समझ में आ रहा था क्योंकि कोलकाता में रह के तो थोड़ा बहुत मैं समझ जाती थी। तो जैसे अल्ट्रासाउंड चल रहा था, जो डॉक्टर अल्ट्रासाउंड करवा रहे थे, उन्होंने वो जो मैम थी जो कि रिपोर्ट सारा लिख रही थी वहाँ पे, तो उनको उन्होंने बोला कि सब जो भी उनका पैरामीटर्स होता है, जो भी होता है, वो उनको बोल रही थी कि ये मेंशन करो रिपोर्ट में, ये मेंशन करो एंड तुरंत उन्होंने बोला कि एखाने तो दूटो सैक अच्छे। सो मैं एक्चुअली थोड़ा शॉक हो गई, दूटो सैक मतलब दो सैक है एंड सैक उसको बोलते हैं जैसे बेबी स्टार्टिंग में बहुत एक बबल लाइक स्ट्रक्चर में होता है, उसको लोग सैक बोलते हैं। सो दूटो सैक मतलब दो सैक है एंड दो सैक मतलब दो बेबीज़ है, यानी आप ट्विन कंसीव किए हो। सो लिटरली उस टाइम मुझे कुछ समझ में नहीं आया क्योंकि फर्स्ट प्रेगनेंसी था एंड इतने मेहनत के बाद, इतना कुछ झेलने के बाद फाइनली कंसीव हुआ था एंड ट्विन प्रेगनेंसी। थोड़ा रिस्की होता है ट्विन प्रेगनेंसी, ये तो पता ही होगा सबको। सो मैं थोड़ा डर भी गई थी, एट द सेम टाइम पता नहीं बहुत ज़्यादा खुश भी हो गई थी। सो मैंने उनसे कंफर्म करने के लिए पूछा कि सर ट्विन प्रेगनेंसी है क्या, तो उन्होंने बोला हाँ एंड लिटरली मैं इतना सुन के वहाँ पे रोने लगी। अल्ट्रासाउंड मेरा चल रहा था, मैं वहाँ पे ही रोने लगी एंड वो डॉक्टर भी बोले कि मतलब मन खराब हुआ इसलिए रो रही हो या फिर खुशी की आंसू है, तो मैं कुछ बोल भी नहीं पाई। मैं क्यों रो रही थी मुझे नहीं पता था, पर वो जो फीलिंग्स है, मैं शायद बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी। सो
मैं वहाँ पे ही बहुत ज़्यादा रोने लगी एंड मैं तो उस मुझे डॉक्टर थोड़ा कंफर्ट करवाए कि मत रो, जो भी होगा अच्छे के लिए होगा, तो अभी से इतना खुश हो जाओगी या फिर अभी से इतना वरिड हो जाओगी तो कैसे चलेगा। तो फिर मैं यूएसजी रूम से आई बाहर, जीवन बाहर वेट कर रहे थे एंड मैंने उनको बोला कि हमारा जो है ट्विंस आने वाले हैं, तो वो भी एकदम शॉक हो गए क्योंकि ये कभी हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ट्विंस हो जाएगा। पर एक बात बोलूँ, हो सकता है कोइंसिडेंस हो, जैसे ही प्रेगनेंसी के लिए हम लोग ट्राई कर रहे थे, नहीं हो रहा था, बहुत बार ऐसे मन खराब होता था, मैं हमेशा जीवन को बोलती थी कि देखना नहीं हो रहा है, क्या पता भगवान दो ही दे दे, एक के बदले दो ही दे दे, ऐसा कभी कभी एक दो बार मेरे मुंह से निकला था। एंड उस दिन वही बात मेरे दिमाग में आया कि भगवान शायद सुन लिए हैं, मैंने जो भी विश किया था शायद ग्रांट हो गया है। तो जो भी हो, हम लोग खुश भी थे एंड थोड़ा वरिड भी थे, वेट किए एंड मैम के पास जाने के लिए बहुत लंबा लाइन था उस दिन। सो जैसे ही हम लोग का नंबर आया, फिर मैंने जाके मैम को बोला कि मैम ये रिपोर्ट में आया है, क्योंकि तुरंत वो लोग रिपोर्ट भी दे देते हैं अल्ट्रासाउंड का वहीं पर ही। एंड फिर मैम ने हमें बोला कि कॉन्ग्रेचुलेशन, सब कुछ ठीक ही होगा, अभी वरिड मत हो, क्योंकि मैम को भी पता था कि मैं किस मेंटल सिचुएशन से गुजर रही थी, उनको भी पता था कितना स्ट्रगल था ये कंसीव करने में। तो जो भी हो, मैम ने फिर हमें ब्लड टेस्ट करने के लिए बहुत सारा टेस्ट रेकमेंड किया, क्योंकि क्या होता है ना, जब आप प्रेग्नेंट हो जाते हो, आपके बॉडी के अंदर और एक लाइफ होती है, तो उसके हिसाब से जो भी सब आपका ब्लड में जितना कुछ होना चाहिए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, उसका पैरामीटर सही है कि नहीं, मेजरमेंट सब सही है कि नहीं, तो वो सब देखने के लिए बहुत सारा टेस्ट रिकमेंड किया गया। एंड टेस्ट जो भी था वो सब, जैसे कि कंप्लीट ब्लड काउंट था एंड हीमोग्लोबिन का था एंड थायराइड का था, बहुत सारा था, ऑलमोस्ट 9 से 10 टेस्ट करवाए गए एंड यूरिन टेस्ट भी करवाया गया था, मतलब सैंपल दिया गया था उस दिन। एंड मैम ने बहुत सारा मेडिसिन भी वहीं पे हम लोगों को प्रेस्क्राइब किया था, मुझे प्रेस्क्राइब किया था, जैसे कि मेरा जो इंसुलिन का लेवल था, जैसे कि पीसीओडी में होता है, थोड़ा हाई तो था ही, तो उसके लिए एक उसको जो लेवल को कंट्रोल करने के लिए एक मेडिसिन उसके लिए दिया गया था। एंड फॉलिक एसिड तो कंपलसरी होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, जो कि आपके बेबी का डेवलपमेंट में वो ज़्यादातर हेल्प करती है, तो फॉलिक एसिड रिकमेंड किया गया था। एंड उसके बाद प्रोजेस्टेरोन का एक मेडिसिन भी वो सजेस्ट किए थे, बहुत ज़्यादा कॉस्टली था वो मेडिसिन। उसको छोड़ के जैसे कि पता चला कि ट्विन प्रेगनेंसी है एंड फर्स्ट प्रेगनेंसी है, तो हो सकता है बहुत ज़्यादा नौजिया, वोमिटिंग वगैरह हो सकता है, क्योंकि नॉर्मल प्रेगनेंसी में जो सब सिम्टम्स होता है, ट्विन प्रेगनेंसी में मोस्टली उसका डबल हो जाता है। तो अगर आपको वोमिटिंग आने वाला है तो डबल हो जाएगा उसका इफ़ेक्ट, बहुत ज़्यादा वोमिट करोगे, नौजिया, टायर्डनेस बहुत ज़्यादा हो सकता है, कंपलसरी नहीं है कि होगा, पर प्रोबेबिलिटी था, इसलिए मैम ने एक मॉर्निंग सिकनेस के लिए भी मेडिसिन रिकमेंड किया था, जिसको मुझे दिन में एक बार लेना था ड्यूरिंग आफ्टर डिनर। एंड सॉरी, मैं ब्रेथलेस हो रही हूँ एंड ये भी एक सिम्टम है प्रेगनेंसी में कि आप नॉर्मली भी बात करते करते भी थक जाते हो। तो हाँ, उसके अलावा और एक भी मेडिसिन दिया गया था, दैट इज़ ड्यूफास्टन, जो कि मोस्टली दिया जाता है जब आपकी अर्ली प्रेगनेंसी होती है, प्रेगनेंसी को सस्टेन करवाने के लिए एंड यूट्रस का जो लाइनिंग होता है उसको प्रिपेयर रखने के लिए, ये सब मेडिसिन दिया गया था। एंड क्योंकि ट्विन प्रेगनेंसी था तो बोला गया था कि 4 हफ्ते बाद, मतलब 1 महीने के बाद फिर से यूएसजी करवाने के लिए, ताकि वो लोग मॉनिटर कर पाए कि जो प्रेगनेंसी है सक्सेसफुली कैरी आउट हो रही है या फिर कुछ कॉम्प्लिकेशन है। मैं आपको अभी मेरा अल्ट्रासाउंड का जो रिपोर्ट आया था उस दिन का, मैं वो दिखाने वाली हूँ, ये है वो। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं दो स्पॉट्स ऐसे हैं, ये है वो दो सैक्स, मतलब ट्विन्स केस में ऐसे आता है रिपोर्ट में। एंड वो जो रिपोर्ट था उसमें ये लिखा हुआ था
कि टाइप ऑफ ट्विनिंग इज डाई कोरियोनिक डाई एमनियोटिक ट्विन, मतलब जो ट्विन्स थे वो दो डिफरेंट सैक में ग्रो कर रहे थे, दैट मीन्स दो डिफरेंट एग फर्टिलाइज होके दो डिफरेंट ट्विन में कन्वर्ट हुए हैं। तो हो सकता है ये जो ट्विन है आइडेंटिकल हो सकते हैं या फिर नॉन आइडेंटिकल भी हो सकते हैं। अगर कोई ट्विन प्रेगनेंसी में एक एग फर्टिलाइज होने के बाद डिवाइड होती है तो उसमें कंपलसरी वो लोग वो जो ट्विन्स हैं आइडेंटिकल होते हैं, मतलब उनका जो फिज़िकल फीचर्स है वो सेम जैसे दिखने वाले होते हैं। पर इस केस में हो सकता है सेम दिखने वाले हो सकते हैं या फिर डिफरेंट, दो लड़के हो सकते हैं, दो लड़कियां हो सकती है, या फिर एक लड़का और एक लड़की हो सकती है। इसमें वो भी मेंशन किया था कि फीटस ए फीटस बी, मतलब दो फीटस थे। सो उसमें जेस्टेशनल सैक सीन, सैक मार्जिन अपीयर्स रेगुलर, योक सैक सैक इज सीन, मतलब सब कुछ नॉर्मल था जैसे ही होना चाहिए ट्विन प्रेगनेंसी में, सब कुछ नॉर्मल था अब तक। सो कंसल्टेशन के बाद फिर हम लोग घर आ गए एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे कोई भी वोमिटिंग, नोज़िया, टायर्डनेस, टायर्डनेस थोड़ा बहुत था पर वोमिटिंग हो नोज़िया हो बिल्कुल भी नहीं था। तो मैं थोड़ा सरप्राइज हो गई कि क्यों नहीं हो रहा है जबकि ट्विन प्रेगनेंसी में ज़्यादा होना चाहिए। मेडिसिन तो मैं ले रही थी पर मैम ने बोला था कि मेडिसिन लेने के बाद भी तुमको हो सकता है ये चीज़ कंट्रोल में ना रहे, वोमिटिंग हो या फिर बहुत ज़्यादा वीकनेस, तो ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था। तो जो भी हो ऐसे देखते देखते वन मंथ चला गया, कोई भी मेजर सिम्टम्स नहीं था एंड नेक्स्ट कंसल्टेशन था तो हम लोग फिर से गए एंड फिर से हमको अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए बोला गया था क्योंकि ट्विन्स प्रेगनेंसी ट्विन प्रेगनेंसी था। सो फिर से मैं अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए गई एंड इस बार और एक शॉकिंग वाला न्यूज़ वहाँ पे मुझे सुनने को मिला कि वहाँ पे जो है दो सैक में से एक का हार्ट बीट आया था, एक का हार्ट बीट नहीं आया था। मतलब ये चीज़ तो कम्प्लीटली न्यू था मेरे लिए एंड बहुत सारा नया नया चीज़ मेरे साथ हो रहा था, मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं कैसे रिएक्ट करूं। तो फर्स्ट अल्ट्रासाउंड में आया कि ट्विन्स, अभी सेकंड अल्ट्रासाउंड में आ रहा है कि एक का हार्ट बीट नहीं आया एंड मैं एक्चुअली बहुत ज़्यादा घबरा गई थी उस टाइम। एंड जो एक है सैक उसमें जेस्टेशनल सैक इज सीन, सैक मार्जिन अपीयर्स रेगुलर, योक इज सीन, कार्डियक एक्टिविटी प्रेजेंट एंड मेरा जो फीटल हार्ट बीट था, हार्ट रेट था 173 BPM था। बाकी का मतलब दूसरे वाले का हार्ट बीट नहीं आया था एंड टाइनी जेस्टेशनल सैक लाइक स्ट्रक्चर इज सीन, नो योक सैक और एम्ब्रियो सैक सीन, मतलब वो जो सैक था वो कम्प्लीटली एम्प्टी था, उसमें कोई बॉडी डेवलप नहीं हुआ था बेबी का या फिर हार्ट बीट भी नहीं आया था। सो ये सुनने के बाद मैं पूरा एकदम टूट गई थी, मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। फिर वहाँ से मैं जैसे ही वो अल्ट्रासाउंड रूम से बाहर आई मैंने जीवन को बोला कि जीवन ये केस है, अभी पता नहीं मतलब क्या होगा, दूसरा जो अभी जिसका हार्ट बीट आया है उसके ऊपर कोई नेगेटिव इफ़ेक्ट तो नहीं पड़ेगा। तो हम दोनों उस टाइम बहुत ज़्यादा सोच में पड़ गए थे एंड मैं आपको दिखाती हूँ मेरा जो अल्ट्रासाउंड का रिपोर्ट था वो कैसे दिख रहा था। अब देखिए एक में बेबी का बॉडी एंड उसका जो थोड़ा बहुत जितना डेवलपमेंट होना चाहिए वो हुआ था एंड सेकेंड वाला कम्प्लीटली एम्प्टी था। सो ये देखने के बाद तो आप समझ सकते हैं लाइक कौन से मेंटल सिचुएशन में हम दोनों उस टाइम जा रहे थे। मुझे नहीं पता था कि आगे क्या होगा, बहुत ज़्यादा डर गई थी मैं, किसी भी हालत में नहीं चाहती थी कि कुछ भी बुरा हो। सो मैं बस प्रे कर रही थी सब कुछ ठीक हो, बस सब कुछ ठीक हो जाए। तो फिर मैम के पास हम लोग गए एंड उससे पहले वहीं से ही लास्ट टाइम जो ब्लड टेस्ट के लिए हम लोग दिए थे सैंपल उसका रिपोर्ट भी आ गया था तो हमने रिपोर्ट भी कलेक्ट कर लिया था। एंड मैम ने जब रिपोर्ट देखा अल्ट्रासाउंड का तो उनको पता चल गया कि मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई हूँ, फेस से ही पता चल रहा था। तो मैम ने बोला कोई वरीड होने वाली बात नहीं है,
ऐसे काफ़ी केसेस में होता है, लाइक ट्विन प्रेगनेंसी में एक का हार्ट बीट आता है एक का नहीं आता है, तो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। जो जिसका हार्ट बीट आया है उसके ऊपर इसका कोई नेगेटिव इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि मिसकैरेज हो जाएगा या फिर ऐसा कुछ, तो उसके लिए चिंता मत करो। फिर भी क्या होता है ना, मतलब मन नहीं मान रहा था कि शायद कुछ उल्टा सीधा हो जाएगा, बहुत ज़्यादा एक्चुअली मैं डर गई थी उस टाइम। एंड मेरा जो ब्लड टेस्ट का रिपोर्ट था उसमें सारा जो पैरामीटर्स था सब कुछ सही था, बट एक चीज़ था, थायराइड डिटेक्ट हुआ था, जबकि मुझे पहले से PCOD था, थायराइड मुझे कभी भी नहीं था। पर थायराइड का जो जितने में रहना चाहिए प्रेगनेंसी के टाइम उससे थोड़ा ही ऊपर था, मतलब बॉर्डर लाइन में ही था, इतना हाई नहीं था सिचुएशन। तो मैम ने बोला, जो थायराइड का एक मेडिसिन हम लोगों को प्रेस्क्राइब किया गया क्योंकि बहुत ही कम डोज वाला है, सबसे कम डोज वाला, वो लेने के लिए मैम ने बोला था। सो फिर कंसल्टेशन के बाद हम लोग घर आ गए, एंड उस दिन मैम ने कुछ कुछ जो मेडिसिन था दो या तीन शायद बंद करवाया था, क्योंकि अभी ट्विन प्रेगनेंसी नहीं था एंड जो भी था एक बेबी का हार्ट बीट आ गया था एंड सक्सेसफुली वो प्रेगनेंसी कंटिन्यू होने वाला था। सो दो या तीन मेडिसिन बंद करवाए गए। एंड मैंने उस दिन मैम से भी पूछा था कि मैम अगर ऐसा सिचुएशन है क्या मुझे बेड रेस्ट लेना चाहिए, मतलब थोड़ा आराम करना चाहिए। तो मैम ने बोला था ऐसा कोई सिचुएशन नहीं है, ज़रूरत ही नहीं है, तुम ट्राई करो एक्टिव रहने के लिए, बेड रेस्ट का तो क्वेश्चन ही नहीं उठता, थोड़ा बहुत वॉक करो, जितना ट्राई कर सकते हो एक्टिव रहने का तो रहो तुम। तो फिर मैं घर आने के बाद थोड़ा बहुत वॉक वगैरह करती थी एंड घर का छोटा मोटा जो काम है वो भी करना मैंने स्टार्ट कर दिया था, मतलब पहले भी करती थी, अभी भी मैंने वही सेम रूटीन फॉलो किया हुआ था एंड मेडिसिन रेगुलर ले रही थी। एंड एक चीज़ था थ्रू आउट मेरा जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर मैं बोलूँगी, जिसमें कि लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, वोमिटिंग इतनी होती है कि वो लोग कुछ खा नहीं पाते हैं, लाइक स्मेल से ही वोमिट कर जाते हैं, पर मैं सब कुछ खा रही थी, पर मुझे मीठा मैं बहुत ज़्यादा खाती थी प्रेगनेंसी से पहले, नॉर्मली बहुत ज़्यादा पसंद है रसगुल्ला हो गुलाब जामुन हो, अभी क्या हो रहा था बहुत ज़्यादा टेस्ट चेंज हो गया था, मुझे अचार कुछ नमकीन कुछ करी टाइप का ग्रेवी टाइप का वैसा खाना खाना बहुत ज़्यादा पसंद था एंड खट्टा मतलब मीठा तो नहीं खट्टा टाइप का ऐसा टाइप का खाना मैं ज़्यादा प्रेफर करती थी। एंड मुझे याद है जीवन बहुत गाली भी करते थे, मैं राइस के साथ कुछ भी आइटम आप दे दो पर मुझे अचार चाहिए ही था, जीवन बोलते थे इतना अचार मत खाया कर, हो सकता है क्योंकि बोलते हैं ज़्यादा अचार खाने से खट्टा खाने से वो पेट कभी कभी पेन भी होता है दर्द करने लगता है, तो ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, पर मुझे और कुछ अच्छा ही नहीं लग रहा था, वही सबसे बेस्ट लग रहा था। तो जैसे भी हो सब कुछ तब तक ठीक ही चल रहा था। एंड आगे फिर मेरा फर्स्ट ट्राइमेस्टर का टेस्ट होने वाला था एंड उसके साथ डाउन सिंड्रोम का स्क्रीनिंग भी। एंड डाउन सिंड्रोम क्या होता है, जैसे आपका बेबी जैसे ही ग्रो करेगा फर्स्ट ट्राइमेस्टर के एंडिंग में वो लोग वो चेक करते हैं कि बेबी में कोई अबनॉर्मलिटीज़ तो नहीं है, कोई रिस्क तो नहीं है, रिस्क फैक्टर्स जो भी होता है वो लोग सब चेक करते हैं। तो हम लोग फिर जब जिस दिन गए फर्स्ट ट्राइमेस्टर के टेस्ट के लिए, मेरा ट्वेल्थ वीक कंप्लीट होने के बाद, तो उस दिन USG तो करवाया गया एंड बहुत सारा जैसे कि हार्ट बीट हो गया एंड जो सब मतलब बॉडी पार्ट्स डेवलप होना चाहिए 3 महीने में वो सब हुआ है कि नहीं वो सब भी देख रहे थे वो लोग, एंड स्पाइन फीटल फेस अपीयर्ड नॉर्मल, मतलब उसका फेसियल स्ट्रक्चर तब तक बन गया था, एंड किडनी ब्लैडर ये सब बन गया था। एंड उस दिन ब्लड टेस्ट के लिए भी दिया गया था बहुत सारा चीज़, मुझे फिर से दोबारा टेस्ट करवाना था। एंड रिस्क एनालिसिस के लिए भी, यानी डाउन सिंड्रोम
टेस्ट के लिए भी जो लोग ब्लड सैंपल कलेक्ट करते थे वो भी किया गया एंड 15 डेज के बाद हमें रिपोर्ट मिलना था। एंड मैम भी उस दिन अवेलेबल नहीं थी क्लिनिक में, तो हम लोग घर आ गए, खाली जो यूएसजी वाला रिपोर्ट है वो लेके, आप देख सकते हैं यूएसजी में ऐसा पूरा आया था, बहुत सारा पिक्चर्स, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था, पर जो सब लिखा हुआ था जो जो चीज़ उससे थोड़ा बहुत समझ में आ रहा था कि हाँ सब कुछ नॉर्मल है। एंड उसके बाद फिर 15 दिन के बाद हमको जाना था मैम के साथ फिर से अपॉइंटमेंट बुक करके। एंड 15 दिन के बाद जैसे ही हम लोग गए, तब तक मैम ने भी बोला कि नहीं सब कुछ ठीक है एंड रिपोर्ट सब कुछ नॉर्मल है। तब तक एक्चुअली मैं बहुत ज़्यादा डरी हुई थी, क्योंकि मन में वही डर था कि हाँ रिपोर्ट में तो मुझे समझ में आ रहा है कि नॉर्मल है, पर मैम अगर कुछ अलग बोलेगी तो उस टाइम फिर कुछ डिफरेंट सा ना आ जाए, क्योंकि बहुत सारा अनएक्सपेक्टेड चीज़ हो गया था हमारे साथ पहले ही। सो जो भी हो, पूरा फर्स्ट ट्राइमेस्टर मेरा बहुत ही स्मूथली गया है एंड मैं बहुत एक्टिव भी थी उस टाइम, बहुत सारा चीज़ मैं खा सकती थी, भूख तो बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया था, लाइक क्रेविंग बहुत ज़्यादा होती थी, सडनली मुझे कुछ चीज़ खाने का मन कर रहा है, सडनली वो चीज़ मन नहीं करेगा, मूड स्विंग भी बहुत ज़्यादा होती थी एंड गुस्सा आना, मूड स्विंग, बोर लगना, ये सब चीज़ें तो होती है, नॉर्मल है प्रेगनेंसी में। पर एक चीज़ है, खाना मैं बराबर से खा रही थी, कोई दिक्कत नहीं हो रहा था खाना खाने में, क्योंकि वोमिटिंग वगैरह नहीं था। एंड पूरा 3 महीने में मैंने साथ 2 बार ही वोमिटिंग किया है, बस 2 बार, एंड वो एक बार मटन का जो स्मेल था उससे हो गया था एंड एक बार शायद थोड़ा बहुत ऐसे ट्रैवल करके आए थे टायर्डनेस के कारण हो गया था, नहीं तो कोई दिक्कत मुझे नहीं रहा था। सो ये था मेरा फर्स्ट ट्राइमेस्टर की स्टोरी एंड मैं आगे और भी वीडियो लेके आऊँगी कि मेरा जो सेकेंड ट्राइमेस्टर में क्या क्या हुआ था एंड उसमें भी थोड़ा बहुत कॉम्प्लिकेशन था। एंड मेरा जो जर्नी है बेसिकली बहुत ही अप्स एंड डाउन्स वाला है, तो मैं काफ़ी ज़्यादा डरी हुई थी, ये सब चीज़ के कारण मैं कोई वीडियो उस टाइम पोस्ट नहीं की थी, क्योंकि मैं खुद भी श्योर नहीं थी कि क्या होने वाला है आगे, तो इसलिए मैंने थोड़ा रिस्क नहीं लेना सही समझा। सो आगे मेरा जो भी वीडियो सब आएगा उसमें मैं आपको पूरा मतलब मेरे जो सेकंड ट्राइमेस्टर की स्टोरी है, थर्ड ट्राइमेस्टर की स्टोरी है, वो सब के बारे में बताऊंगी। एंड मैं सोच रही हूँ कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकंड ट्राइमेस्टर एंड थर्ड ट्राइमेस्टर का डूज एंड डोंट्स एंड सिम्टम के ऊपर एक एक एलैबोरेटली वीडियो बनाऊं। इसमें तो मेरा जो मेडिकल एक्सपीरियंस था, मेडिकल जर्नी था, उसके बारे में मैंने बताया, क्योंकि अगर सब कुछ एक साथ एक वीडियो में बताऊंगी तो बहुत ही लंबा हो जाएगा। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको अगर ऐसा वीडियो देखने का मन है या फिर और कोई टॉपिक पे आप वीडियो देखना चाहते हो प्रेगनेंसी रिलेटेड, तो मैं ट्राई करूँगी उसके ऊपर वीडियो बनाने के लिए। सो या देन इस वीडियो में बस इतना ही एंड आगे हम मिलेंगे और भी इंटरेस्टिंग और भी मज़ेदार वीडियोस में। आप तब तक मुझे बस आपका जो प्यार है, ब्लेसिंग्स है, वो देते रहिए एंड जस्ट प्रे कीजिए कि ये जो प्रेगनेंसी है सक्सेसफुली एंड तक कैरी आउट हो एंड मुझे एक हेल्दी बेबी मिले। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अंटिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।